जिला गौतम बुद्ध नगर में जिला पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। प्रत्याशियों का नामांकन जारी है और इसी क्रम में वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत प्रत्याशी सोनू प्रधान कोट के समर्थन में नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे विश्वविद्यालय दिल्ली छात्र संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र अवाना, डॉक्टर महेश शर्मा, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, बीजेपी के भारी मात्रा में कार्यकर्ता और समर्थकों का तांता लग गया। लोग क्यों दें? सबसे पहले तो मेरी शिक्षा पे प्राथमिकता रहेंगी। हर गांव में अगर मैं इसमें जिला पंचायत बन के आता तो लाइब्रेरी, जिससे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनका भविष्य बने, ये प्राथमिकता। और बेरोजगार बच्चे को रोजगार दिलवाना जितने युवा हो। आपको बीजेपी ने क्यों चुना? पिछले काफ़ी लंबे समय से आप ग्राम प्रधान भी बताए जा रहे हैं, कितने वर्षों से आप ग्राम प्रधान हैं? 45-50 सालों से ग्राम प्रधान चुने आ रहे हैं, मैं वर्तमान में भी प्रधान हूँ। तो जिस तरह बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया, क्या इस पर खड़े उतरेंगे? और जो लगातार आपके सामने बताया जा रहा है कांटे की टक्कर से पूर्व मंत्री हैं, उनके परिवार से भी खड़े हुए हैं वार्ड नंबर से, जिससे आप प्रत्याशी हैं, जितने भी मेरे सामने कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनके। बताते चले कि वर्तमान में सोनू प्रधान कोट पिछले 50 वर्ष से ग्राम प्रधानी कोट डेरी गांव में प्रधान है। गांव के लोग सोनू प्रधान से पहले उनके पिता को प्रधान चुनते आ रहे हैं। पिछले 2 चुनावों से गांव के लोग सोनू प्रधान को ही प्रधान चुनते आ रहे हैं। सोनू प्रधान के दादा पृथ्वी सिंह भी पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं।